का थर्ड सम है गिवन ए इजिकल टू 5, डी इजिकल टू 3 और ये nth टर्म है 50, तो हमने n और nth सम निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले ये वाला सम देखेंगे। यहाँ पर a इजिकल टू 5 है, d इजिकल टू 3 है, nth टर्म 50 और n और sn निकालना है। तो nth टर्म में हम भरेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, इजिकल टू 50। दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू 3 इजिकल टू, ये 5 इधर चला गया तो ये 45 रह गया, और इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 15 रह गया। n माइनस 1 इजिकल टू 15, तो n की वैल्यू हमारी 16 आ गई, एक आंसर आ गया। उसके बाद हमने s16 निकालना है, तो इसका फार्मूला 16 ओवर 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 16। यहाँ पर 8, 5 टू द 10, 16 माइनस 1 15, 3 द 45 और 55 हो गया, 55 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 450। तो एन हमारा आ गया 16 और एस एन आ गया 440। नेक्स्ट सम है ए इजिकल टू 7, ए 12th, ए 13th इजिकल टू 35, और डी और एस 13 हमने निकालना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है, ए 13 35 है, डी और एस 13 का मान निकालना है। तो ए 13 जो है उसका फार्मूला हमने लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 35, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 13, डी निकालनी है। तो ये 12 डी है, 13 माइनस 1 12 डी इजिकल टू 35 में से ये 7 निकाले तो 28 रह गए, डी इजिकल टू 28 ओवर 12, 47 द 28, 43 द 12, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 7 ओवर 3। हमने एस 13 निकालना है, 13 ओवर 2, 2 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 7 ओवर 3, तो ये कट गया 3, 4 द 12, 14 प्लस 28 इंटू 13 ओवर 2, ये हो गए 42, और 2 से कट गया तो 21 को 13 से मल्टीप्लाई करके आ गया 252, तो हमारी एस एन जो है वो 252 आ गई और डी की वैल्यू 7 ओवर 3 आ गई। नेक्स्ट सम हमने निकालना है ए 12 इजिकल टू 37 और डी की वैल्यू 3 है, हमने ए और एस 13 की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू 37, डी की वैल्यू 3, ए की और एस 13 की वैल्यू, एस 12 की वैल्यू निकालनी है। तो ए 12 जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33, 37 में से 33 गए 4, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। आगे एस 12 है, 12 ओवर 2 इंटू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 3 है, तो 11 3 था 33 प्लस 8 41 इंटू 6 दैट इज़ 246। तो ये आपका इसका थर्ड सम हो गया। उसके बाद इसका फोर्थ सम है ए 315 है, एस 10th 125 है, हमने डी और ए 10th निकालनी है। ए 3 है, ए 315 है, तो मतलब ए 3 होती है थर्ड टर्म, तो ए प्लस 2d इजिकल टू 15, तो एस 10th जो है तो एस एन की वैल्यू 10 है, 10 ओवर 2 दैट इज़ 2 ए प्लस, यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी आएगा तो 90 आ जाएगा, तो ये 2 से कट गया, 5 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 2a प्लस 90 इजिकल टू 25, ये हमारी एक टर्म हो गई और a प्लस 2d एक टर्म हो गई, इस टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2a प्लस 40 इजिकल टू 30, ये इसके नीचे लगा दी, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 2a से 2 कट गया और 9 माइनस 40 इजिकल टू 5d इजिकल टू आ गया माइनस 5, तो d की वैल्यू 5d इजिकल टू माइनस 5, d की वैल्यू माइनस 1 आ गई। उसको हमने a प्लस 2d में भर दिया,
तो टू अंदर टू इधर आके माइनस हो गए, तो ए की वैल्यू 13 आ गई। यहाँ पर ए टेंथ निकालनी है, 13 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 है, तो 10 माइनस 1 9 इंटू माइनस 1 9 माइनस 9 हो गया, 13 में से 9 गए 4, तो ए टेंथ हमारा 4 आ गया, ए की वैल्यू 13 आ गई, डी की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो ये सम हो गए आपके, पहले 4 सम हो गए, थर्ड सम के 4 पार्ट हो गए आपके।